नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हेमंत सोरेन सूबे के नए मुखिया होंगे, लेकिन इस चुनाव में बड़का गांव सीट पर सबकी नजर थी। वजह यहां की प्रत्याशी अंबा प्रसाद थी। बड़का गांव विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अंबा प्रसाद ने चुनाव जीतकर 2019 में सबसे कम उम्र की विधायक बनने का इतिहास रच दिया है। मात्र 27 साल की उम्र में उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी आजसू पार्टी के प्रत्याशी रोशन लाल चौधरी को 30,140 वोटों से हराकर जीत दर्ज की। कांग्रेस प्रत्याशी अंबा प्रसाद को 93,295 तो वहीं रोशन लाल चौधरी को 63,116 वोट मिले। लेकिन इस वक्त कई कारणों से अंबा प्रसाद का नाम बहुत ही चर्चित हो रहा है। सबसे पहले तो उन्होंने अपने माता पिता की परंपरागत सीट पर ही परिवार और पार्टी की ओर से जीत की हैट्रिक लगाई है। अंबा के पिता योगेंद्र यादव 2009 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक और फिर मंत्री बने थे। फिर मां निर्मला देवी 2014 में कांग्रेस के ही टिकट पर विधायक बनी। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि इस चुनाव में उन्हें अपने माता पिता का सक्रिय सहयोग नहीं मिल पाया, क्योंकि उनके पिता जेल की सजा काट रहे हैं और मां को तड़ी पार किया जा चुका है। 2013 में हेमंत सोरेन की सरकार में अंबा प्रसाद के पिता योगेंद्र सांव कृषि मंत्री थे। रामगढ़ स्पंज आयरन फैक्ट्री से रंगदारी मांगने के आरोप में योगेंद्र सांव को गिरफ्तार कर लिया गया। मामला कोर्ट तक पहुंचा। झारखंड हाई कोर्ट ने दोषी मानते हुए सजा का ऐलान किया। इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। अगले चुनाव में यानी 2014 में अंबा की मां निर्मला देवी ने इस सीट पर चुनाव लड़ा। कांग्रेस के ही टिकट पर चुनाव लड़कर अंबा की मां ने चुनाव जीता। फिर 1 अक्टूबर 2016 को कफन आंदोलन हुआ। इसमें गांव वालों के साथ योगेंद्र साव और निर्मला देवी उतरे। गांव वालों की मांग थी कि एनटीपीसी ने माइनिंग के लिए उनकी जो जमीन ली है उसका बेहतर मुआवजा दिया जाए। इस दौरान पुलिस फायरिंग में 4 लोग मारे गए। झारखंड में लोग इसे बड़का गांव गोलीकांड के नाम से जानते हैं। यहां 4.25 लाख प्रति एकड़ मुआवजा मिल रहा था। गोलीकांड के बाद 20 लाख प्रति एकड़ मिलने लगा। लेकिन इस गोलीकांड के नाम पर निर्मला देवी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जबरन घुसकर गांव वालों ने उन्हें पुलिस कस्टडी से छुड़ा लिया। इसके बाद जब मामले की सुनवाई शुरू हुई तो निर्मला देवी को तड़ी पार कर दिया गया ताकि वो मुकदमे पर कोई असर न डाल सके। माता पिता के जेल जाने और राज्य बदर होने के बाद उन्होंने शपथ ली थी कि बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र में माता पिता के अधूरे कार्यों को वे पूरा करेंगी। अंबा ने बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बाद ह्यूमन रिसोर्सेज में MBA और लॉ की पढ़ाई भी की है। 2014 में अंबा दिल्ली में रहकर UPSC की तैयारी कर रही थी। तभी उन्हें पता चला कि उनके पिता की तबीयत खराब हो गई है। वहां से बड़का गांव आई, उसके बाद दिल्ली नहीं लौटी। लोकसभा चुनाव 2019 में भी उन्होंने अपनी मां निर्मला देवी की प्रतिनिधि बनकर प्रचार किया। इनका नाम तब लाइमलाइट में आया जब पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने इनके और साथ के अन्य कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए रैली की थी और पिछले 4 वर्षों से वे क्षेत्र में सक्रिय रही। आखिरकार अंबा को मेहनत का फल मिला और मात्र 27 साल की उम्र में अंबा प्रसाद ने आजसू के प्रत्याशी रोशन लाल चौधरी को हराया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।